हेलो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले पार्ट में हम लोगों ने आयोटा के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा गया अ नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ आर। तो देखिए कहा गया कि कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का, किस फॉर्मेट का, एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर हों, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और आई ध्यान देंगे, आई का मतलब यहाँ पे आयोटा है और जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखते हैं जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई। तो इस फॉर्मेट के जितने भी नंबर हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए टू और थ्री रियल नंबर है, आई मीन्स आयोटा। तो इस फॉर्मेट का अगर कोई नंबर लिखा गया है तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कुछ टेक्निकल बातें हैं जो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। जो यक्स है, यक्स मतलब एक ऐसा टर्म है जो आई के साथ है और एक ऐसा टर्म है जो आई के बिना है। तो जो यक्स है उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब यक्स को हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। और डिनोट कैसे करेंगे, आर ई जेड बराबर यक्स, मतलब यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट कितना है, एक्स। और देखिए जो यह y लिखा गया है, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। तो जो i के साथ है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं i का जो कोफिशियंट है y, उसको लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आई एम z बराबर y। अब यहाँ पे एक बात देखिए समझने वाली बात है कि जो y है वह भी रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह i के साथ है। तो ये ध्यान देंगे x को लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ सेट और y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कुछ और बातें देख लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू जीरो देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी। तो अगर यह x जीरो हो जाएगा, मतलब अगर इसमें रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। और उसी वे में अगर y जीरो हो जाएगा तो कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह प्योर रियल है, मतलब अगर y की वैल्यू जीरो हो गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग कहेंगे प्योर रियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए जेड इज इक्वल टू फाइव, तो आप फाइव को क्या लिख सकते हैं, फाइव प्लस जीरो वाई। तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें देख रहे हैं वाई की वैल्यू जीरो है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग कहेंगे प्योर रियल या प्योरली रियल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई सी, मतलब जैसे रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट करते हैं, उसी वे में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से डिनोट करते हैं। आगे देखिए लिखा गया कि R इज सबसेट ऑफ C, मतलब रियल नंबर का सेट जो है वह सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का। इसका मतलब क्या है, जितने भी रियल नंबर हैं सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आगे देखिए जेड इज इक्वल टू जीरो इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, मतलब जो जीरो है उसको आप हम क्या कह सकते हैं, प्योर रियल भी कह सकते हैं और प्योर इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों भाई, देखिए अगर जेड बराबर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो वाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट जीरो है इसलिए इसको लोग प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो है इसलिए इसको लोग प्योरली रियल कहेंगे। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है और साथ में प्योरली इमेजिनरी। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यह जानेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो अगर जेड वन प्लस जेड टू निकालना है तो यहाँ पर डिफाइन क्या किया गया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देना है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है टू प्लस थ्री आई और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है फोर प्लस फाइव आई। तो जेड वन प्लस जेड टू, तो देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दीजिए, टू प्लस फोर, ठीक है सिक्स, और जो इमेजिनरी पार्ट है थ्री और फाइव इसको जोड़ दीजिए एट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो गया सिक्स प्लस एट आई, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो कहा गया जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो पहला कंपोनेंट कौन सा है इस पर यह सम डिपेंड नहीं करता है, आप जेड वन प्लस जेड टू लिखिए या फिर जेड टू प्लस जेड वन लिखिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना है
तो कोई भी दो पहले ऐड कर लीजिए और तीसरा उसके साथ ऐड कर दीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं, जेड प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जेड इज इक्वल टू जेड, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस वजह से हम लोग जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाला गया डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए अगर जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन है और जेड टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू है, तो जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आई ब्रेकेट में वाई वन माइनस वाई टू। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया जेड वन इज इक्वल टू टू प्लस फोर आई और जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस टू आई, देन जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा टू प्लस फोर आई माइनस ब्रेकेट में फोर प्लस टू आई। तो देखिए रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा और फोर आई माइनस टू आई तो टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जेड वन माइनस जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन, मतलब जेड वन माइनस जेड टू जो है जेड टू माइनस जेड वन के इक्वल नहीं होता है। और एक बात सीखिए कि माइनस जेड को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए और ये भी ऑब्जर्व करिए कि जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, या जीरो जो कि आइडेंटिटी है। इसका मतलब अगर इसका आपको इनवर्स निकालना है टू प्लस थ्री आई का, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड, मतलब कितना माइनस टू माइनस थ्री आई। ठीक है, तो यह हम लोग देखिए आज यह सीखे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। साथ में शुरू में यह देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख पाए। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही और अगले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।